स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन क्लियर तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो देखिए बेटा सबसे पहले कंसीडर कीजिए कि एक बॉडी है हमारी जो कि जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है चक्कर लगा रही है क्लियर है द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ओ जेड क्लियर और ये अपना वाई एक्सेस ये एक्स एक्सिस बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हमने जस्ट एग्जांपल uh, के लिए तीन पार्टिकल को कंसीडर किया एक पार्टिकल जिसका मास एम वन एक एम टू और एक एम थ्री क्लियर है ऑफ कोर्स देखिए बॉडी जो है अपनी वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है बेटा कुछ इस तरह से बॉडी जो है हमारी रोटेट कर रही है तो क्या होगा जब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो तो इस तरफ जा रहा होगा और जो यहाँ पार्टिकल है वो इस तरफ आ रहा होगा जो यहाँ पार्टिकल है वो इस तरफ आ रहा होगा तो हर पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो रही है रोटेशनल मोशन के अंदर इसीलिए हर पार्टिकल की जो विलोस्टी है वो क्या होगी अलग होगी क्योंकि ऐसा क्यों है क्योंकि हर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ये पार्टिकल का मोशन इस साइड है इस पार्टिकल का मोशन इस साइड क्योंकि डायरेक्शन चेंज है इसीलिए इनकी वेलोसिटी भी हर पार्टिकल की क्या है अलग लेकिन यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर पार्टिकल की सेम रहेगी एंगुलर मोशन के, के केस में एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर यूनिफॉर्म मानी है हमने तो उस केस में जो लेकिन ये सिंपल वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी ये हर पार्टिकल की क्या होगी अलग अलग होने वाली है यहाँ पर तो क्लियर है ना बेटा अच्छा आप देखिए मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल इसमें एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी फर्स्ट पार्टिकल के लिए सेकेंड के लिए थर्ड के लिए फोर्थ के लिए बहुत N पार्टिकल थे सभी के लिए हमने उनको एड कर दिया अब आप देखिए जरा क्या होती है आर ओमेगा तो फर्स्ट पार्टिकल के वी वन वे की वैल्यू आर वन ओमेगा सेकेंड के लिए वी टू बराबर आर टू ओमेगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ एन एथ ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं उनकी विलोस्टी हमने निकाल ली इनकी वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया क्लियर है तो अपने पास v की जगह वैल्यू पुट करेंगे r ओमेगा तो आ v का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा अब ओमेगा लिखा ओमेगा के साथ वन टू थ्री नहीं लिखा क्योंकि एंगुलर है है यूनिफॉर्म अच्छा क्लियर अब देखिए कॉमन था सभी में तो हमने वन बाई टू कॉमन निकाल लिया ओमेगा स्क्र ओमेगा स्क्यर ओमेगा स्क्वेयर सभी में कॉमन था उसको भी अलग निकाल दिया तो अंदर बचा एम वन आर वन स्क्र एम टू आर टू स्क्र एम थ्री आर थ्री स्क्वेयर अब टू एम एन आर एन स्क्र है ना बेटा अब देखिए जरा इसको बार बार लिखने की बजाय हमने डायरेक्ट लिख दिया समीशन एम आर जब इसको ओपन करोगे ना तो यही ऐसे ही लिखा जाता है क्लियर है इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया कि बार बार वन टू थ्री फोर फाइव पार्टिकल के लिए लिखना उस डायरेक्ट हम ये लिखते हैं क्लियर ओमेगा स्क्वायर था एज इट इज वन बाय टू वन बाय टू अब देखिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई e के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो तो ई e के वन बाय टू अब समीशन एम आर स्क्वेयर ये अपना क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है किसके बराबर होता है बेटा ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम कर चुके हैं पहले तो इसकी जगह हमने लिख दिया आई आई फोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वेयर था एज इट इज तो ये आगे हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी क्लियर अगर ओमेगा की वैल्यू वन हो तो ई के इक्वल टू आई बाई टू यानी आई इक्वल टू टू ई के क्लियर है ये कोई बात नहीं मेन आपको यहां तक रिजल्ट याद रहना चाहिए अब हम समझते हैं वर्क एंड पावर इन द रोटेशनल मोशन बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है कुछ इस तरीके से रोटेशनल मोशन में उसका वर्क डन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ए पर एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है क्लियर है तो जब एक फोर्स एफ इसके ऊपर अप्लाई किया गया तो इस बॉडी ने रोटेट किया ये ए से बी तक आई और एंगल थीटा के साथ इसने रोटेट किया तो वर्क क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस क्लियर है डिस्टेंस ए बी ये ए से बी अब ए बी क्या है एक आर्क है तो सर्कल में ये भी आर ये भी आर ये एक आर्क ए बी तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है आर इंटू थीटा आर इन टू थीटा क्लियर है ना तो वो होता है ना एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो ए बी की वैल्यू तो ए बी तो की आर थीटा तो ए बी डिस्टेंस ए बी की जगह हमने लिख दिया आर थीटा वर्क अब फोर्स आर थीटा अब एफ इन टू आर क्या होता है बेटा टोर्क के बराबर होता है आपने पढ़ा है ना टोर्क का फॉर्मूला एफ इन टू आर एफ इंटू आर की जगह हमने लिख दिया टोर थीटा का थीटा तो ये आ चुका है हमारे पास वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन अगर बात की जाए पावर की तो क्या करेंगे डिवाइड डिवाइड बाय बाय टाइम टाइम इस इस भी भी कर दो थीटा अपॉन क्या होता है थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टाइमस्टी होता है ना तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर विलोस्टी होगा क्लियर है ओमेगा क्या होता है थीटा बाय टी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क और इसकी जगह आ गया ओमेगा तो पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा क्लियर है बेटा तो ये था हमारा वर्क एंड पावर इन द रोटेशनल मोशन क्लियर है तो ठीक है बेटा आज के वीडियो में केवल इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो लिए बाय थैंक यू एंड नाइस